पिशाच दानों या जॉम्बी की स्टोरी हमने फिल्मों में देखी है या कहानियों से सुनी है, पर आज चलिए इस धरती पर कई सालों से रह रहे एक जॉम्बी को दिखाता हूँ। और मैं ये नहीं कहता, बल्कि हमारी साइंस ऐसा कहती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये छोटे मोटे जीवों को अपने वश में करता है और उन्हें मारता है, और वो है एक जॉम्बी फंगस ओफियोकार्डिसेप्स। जब चींटी जैसी छोटी जीव इस पे पैर रखती है तो ये फंगस उसकी बॉडी पर चिपक जाता है और फिर उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। अगले कुछ दिनों में अपनी संख्या उसकी बॉडी में बढ़ाता रहता है और एक समय बाद ये फंगस चींटी के मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर लेता है। इससे होता यह है कि ये फंगस चींटी के मसल मूवमेंट को कंट्रोल करके उसे अपने मुताबिक चलाने लगता है और उसके मर्जी के खिलाफ उसे मौत की ओर ले जाता है। वो चींटी को करीब 25 सेंटीमीटर की पेड़ की ऊंचाई पर ले जाता है, जहां पर चींटी किसी पत्ते पर बाइट मारकर हमेशा के लिए वहीं लॉक हो जाती है, जिससे करीब 6 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद फंगस चींटी को चीर कर बाहर आ जाता है और अपने आप को ग्रो करता है, जहां पर ये अपने स्पोर्स को हवा में छोड़ता है, जिससे और चींटियों को इन्फेक्टेड किया जा सके और अपनी संख्या बढ़ाया जा सके। इस कॉन्सेप्ट को 2023 में आई मूवी द लॉस्ट ऑफ अस में भी दिखाया गया है, और इस फंगस की खोज ब्रिटिश शोधकर्ता अल्फ्रेड रसेल वालिस ने किया था।